हेलो जी, कैसे हैं आप सब? इट्स मी लीना एंड वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू येट अनदर डेली व्लॉग। तो ये 30 डेज चैलेंज ना मुझे बहुत मोटिवेट कर रहा है। मैं नहीं जानती मेरे को कितने व्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि मैंने व्यूज़ देखना ही बंद कर दिया है। मैं अपलोड कर देती हूँ, मेरा काम हो जाता है, मैं खुश हो जाती हूँ कि भाई मैंने अपना काम कर दिया। आप देखना, नहीं देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ये काम तो आपका है। वीडियो बनाना, एडिट करना और अपलोड करना काम मेरा है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं लगातार 2 दिन से वीडियोस बना रही हूँ, एडिट कर रही हूँ और अपलोड भी कर रही हूँ, दैट ऑल्सो ऑन टाइम। थोड़ा टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, बिकॉज जिस समय मैं आपका ये वीडियो अपलोड करती हूँ उस समय मैं लिटरली लेक्चर में होती हूँ और मेरा वीडियो अपलोड हो रहा होता है। तो इट्स अ वेरी डिफरेंट फीलिंग, यू नो। मेरा जो फ़ोन है वो स्टाफ रूम में पड़ा होता है, मैं लेक्चर हॉल में स्टूडेंट्स का लेक्चर ले रही होती हूँ, कॉलेज से आती हूँ और फिर वापस आई एम बैक इन टू माई यूट्यूब जोन। सो इट्स अ वेरी डिफरेंट फीलिंग एंड इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल फीलिंग एंड इट्स रियली टायरी ऑल्सो इन सम वे। तो ऑल द पीपल जो डेली ब्लॉग करते हैं, हैट्स ऑफ यू गाइस। बट आज एक स्पेशल डे है, बाय द वे आज है इन छोटी भैया का बर्थडे। हैप्पी बर्थडे बाबू, हैप्पी बर्थडे। सो इट्स माई कोकोज बर्थडे और मैं बिलीव ही नहीं कर सकती हूँ, मुझे अभी भी ये इतना अनरियल लग रहा है कि कोको 1 साल का हो गया है। कोको इतना सा बच्चा था जब मेरे हाथ में आया था और कोको लिटरली टर्न 1 टुडे। कोको सिर्फ 21 दिन का था जब मेरे पास आया था। कोको का 1 मंथ बर्थडे भी मैंने मनाया था, तो आई नो कि कोको बहुत छोटा सा प्याला सा नन्ना सा बच्चा था जब मेरे पास आया था। एंड लिटरली सुबह से मुझे इतना इमोशनल भी फील हो रहा है क्योंकि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। आई स्टिल कैन नॉट बिलीव कि कोको 1 साल का हो गया है। 1 साल इज सच अ बिग थिंग एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड आई एम सो हैप्पी कि कोको मेरे पास 1 साल से है। वाओ, इट्स सो हैप्पी एंड आई जस्ट विश कि कोको मेरे साथ ऐसे ही लाइफ टाइम रहे। आई लव हिम सो मच एंड आई जस्ट विश दैट आई कुड गिव हिम द बेस्ट ऑफ everything, like literally everything। मैं चाहती हूँ कि दुनिया में जितना सब आई कुड प्रोवाइड टू कोको आई शुड। लिटरली स्पीकिंग इनिशियल डेज में मेरे घर वाले बहुत अगेंस्ट थे कि तू बहुत पैम्पर कर रही है, यू आर इन्वेस्टिंग टू मच इन टू हिम। बट देन स्लोली दे अंडरस्टैंड दैट इन्वेस्टिंग इन कोको इज़ द बेस्ट थिंग आई एम डूइंग इन माई लाइफ। आई थिंक हैविंग कोको इन द लाइफ इज लाइक चेंजिंग द होल फिनोमिना ऑफ द लाइफ। कोकोआ हैज़ मेड माई लाइफ सो ब्यूटिफुल दैट आई कुडंट हैव इमेजिंड एवर। ही इज लक, ही इज प्रॉस्पेरिटी, ही इज द पॉजिटिविटी, ही इज एवरीथिंग इन द हाउस एंड आई जस्ट फील वेर एवर आई एम टूडे, वॉट एवर आई एम डूइंग टूडे इन दिस 1 ईयर इज ऑल बिकॉज ऑफ कोको। सो आई एम सुपर हैप्पी एंड आई एम सुपर इमोशनल ऑल्सो टूडे। मेरे को तो नहाते से मैं रोना आ रहा था सोच के कि मेरा बच्चा 1 साल का हो गया। इट्स लाइक हैविंग माई ओन किड। ही इज़ माई चाइल्ड, मेरा बच्चा है वो। तो अपना बच्चा जब 1 साल का हो जाता है ना, तो इट्स अ चुम्मेश्वरी फीलिंग। इट्स अ वेरी डिफरेंट फीलिंग, आई कैन नॉट से इट इन द वर्ड्स। तो बस अभी फ्रेश अप हुई हूँ, सुबह से कोको को हम ट्राई करा रहे हैं स्पेशल फील कराने का, ताकि उसको लगे कि आज कुछ तो अलग है फ्रॉम द रेगुलर लाइफ। सुबह उसको खाना भी थोड़ा सा अलग मिला है, हर चीज़ डाली है उसके फेवरेट, सब्जी, चिकन, दाल, चावल, एवरीथिंग एंड इतना ब्यूटीफुल लंच ही हैड टुडे। बट सुबह आई कुडंट व्लॉग, सुबह इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू व्लॉग बिकॉज मैं 8 बजे मुझे घर छोड़ना होता है एंड आई हैव टू मेक ऑल द खाना एंड ऑल, तो वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है टू व्लॉग। बट इवनिंग का टाइम हम आपके साथ बिल्कुल शेयर करेंगे। तो अभी हम लोग पहले तो भगवान को दिया जलाते हैं, फिर कोको को अक्षवान करते हैं, बिकॉज अक्षवान नहीं करा तो क्या बर्थडे, मतलब फीलिंग नहीं आता है बर्थडे वाला। तो या लेट्स सेलिब्रेट कोकोस बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू कोको, हैप्पी बर्थडे टू कोको, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। ओके 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 ओके, डू नॉट इरिटेट हिम, इट्स हिज डे। कोई कोने कोने बर कोने कोने
Okay, fine. It's happy birthday to Coco. Happy birthday to Coco. I'm just happy my Coco has started. Hey, what सो गाइज ऐसे छोटा सा डेकोरेशन हमने कोको भैया के लिए किया है. यहाँ पे टेबल रखा है और इसको इसलिए ऊंचा रखा है ताकि कोको भैया जो है, मैं लाइट लगा देती हूँ, कोको भैया जो है इसको तोड़े ना, वरना उसका पूरा मूड इसको तोड़ने में है. और यहाँ पे कोको के लिए मैंने टेबल रखा है जिसपे एक छोटा सा टाइनी सा केक रखूंगी मैं. ये कोको भैया की पूजा की थाली भी तैयार है. कोको भैया का आशीर्वाद मैं इसी थाली से करूंगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो यहाँ हमने शुरू कर दिया था कोको का बर्थडे सेलिब्रेशन. तो आप देख सकते हैं ही इज सच ए गुड बॉय. मेरे को बहुत अच्छे से पूजा करने दिया. थोड़ा स्टार्टिंग में तंग करा क्योंकि उसको समझ आया नहीं कि व्हाट इज गोइंग ऑन, बट ही इज सच ए गुड बॉय. उसके साथ में ये पहली बार हो रहा था और उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि मम्मा उसके साथ क्या कर रही है. बट मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैंने कोको के लिए ये सब करा, बिकॉज इट लुक्स सो गुड. अच्छा लगा मुझे भी करके कोको के लिए थोड़ा. एंड यहाँ हमने कोको का प्रॉपर बर्थडे सेलिब्रेट किया. जैसे हम लोग का मम्मी हमारे घर पे, हमारा घर वाले हमारा बर्थडे जैसे सेलिब्रेट करते थे बचपन में, हमने सिमिलरली कोको का बर्थडे सेलिब्रेट करने की कोशिश की. एंड वी आर सो हैप्पी हियर. आई वॉज ट्राइंग टू क्लिक सम गुड पिक्चर्स विद कोको. मैं पूछ रही थी कोको से, कोको भैया थोड़ा सा किसी तो कर दो मम्मा को. लेकिन उसका पूरा ध्यान थाली में के बिस्किट में था कि मम्मा आप मुझे बिस्किट कब दोगी. तो मेरे को लगा बिस्किट देने के बाद तो भी कोको भैया मम्मा को किसी कर देगा, बट ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन गिविंग किसेस टू मम्मा. ही वॉज ओनली इंटरेस्टेड इन हैविंग हिज बिस्किट. तो ये देख के मेरे को ही बड़ा मजा आया. तो मैंने कहा यार तू ही किसेस ले ले सारी, आज तो तेरा ही बर्थडे है. तो गाइस कोको का बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया है स्टार्ट. बहुत ऊपर लगाया है मैंने ताकि कोको से खींचे ना. और अभी हम लोग जा रहे हैं, कोको के कुछ डॉग फ्रेंड्स हैं बाहर, उनको हम लोग थोड़ी ट्रीट देने वाले हैं. तो मैं आपको दिखा देती हूँ क्या क्या ट्रीट्स हमने हमारे पास में ली है उनको देने के लिए. तो सबसे पहले आई हैव सम अमूल की आइसक्रीम्स. आई नो आइसक्रीम इज नॉट गुड फॉर डॉग्स, बट एक हाथ बार चलती है. और सब कुछ बहुत स्वीट है, तो जो आइसक्रीम नहीं खाएंगे उनको हम मफिन्स देंगे. और हमने यहाँ पे अच्छा डॉग शॉप नहीं है, वरना मैंने बहुत सारे डॉग ट्रीट्स लिए होते. बट अभी उसका बर्थडे है तो आई जस्ट वॉन्ट टू मेक द स्ट्रीट डॉग्स फील स्पेशल एंड आई वॉन्ट टू बाय एवरीथिंग फॉर देम. बट This is all what I got. So let's go. So guys, हम लोग आ चुके हैं वापस. सारे डॉग्स को आइसक्रीम और केक खिला के मैं बहुत थक गई हूँ, क्योंकि कुछ कुछ मुझे भागना भी पड़ा, बट अच्छा लगा. फर्स्ट टाइम इन माई होल लाइफ आई डिड दिस थिंग एंड दिस कुडंट बी पॉसिबल. अगर कोको नहीं होता तो मैं नहीं सोचती और मैं नहीं करती. मैं करती नहीं सोचती, मेरे को नहीं सोचना उस बारे में, बट मैंने किया है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मैंने वहाँ पे नहीं शूट किया बिकॉज मेरे पास कोई शूट करने वाला है नहीं. अमोल वॉज हैंडलिंग कोको एंड आई वॉज हैंडलिंग अदर डॉग्स. तो मैंने वहाँ पे शूट नहीं किया. और मुझे नहीं लगता आप जो चीज़ करते हो वो हर चीज़ को शूट करना चाहिए. सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. इट इज़ एन अमेजिंग डे. और अभी मैं मेरा बाकी का पूरा टाइम कोको को देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी 5-6 बजे तक वर्क प्लेस पे थी और अभी मैं घर पे आई हूँ. तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं अपना पूरा टाइम अभी YouTube को दूँ. तो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज. आई होप आपको हमारा ये छोटा सा कोको का बर्थडे सेलिब्रेशन अच्छा लगा हो. एंड आई थिंक सेलिब्रेशंस आर इम्पॉर्टेंट. आप छोटा करते हो बड़ा करते हो दैट डजंट मैटर, क्योंकि सेलिब्रेशन आपको एक मेमोरी देता है. तो यस, हम लोग बहुत ज़्यादा खुश है. वी आर वेरी 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 हैप्पी राइट नाउ एंड I couldn't have expected anything more from this. I think I'm super happy, super blessed and super everything. आपको मिलती हूँ मैं कल. और कल का वीडियो भी, कल का ब्लॉग तो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है. सो लेट्स सी यू गाइज टुमोरो. तब तक के लिए बाय बाय. एंड हाँ, सब्सक्राइब किया क्या? नहीं किया तो कर लो. एंड हाँ जी, सबके साथ शेयर करना है वीडियो, स्पेशली all the dog lovers. Just spread the love.